नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर नंदकिशोर पारा सर आज आपको नाभि सरकने के विषय में जानकारी दूंगा। आम बोलचाल की भाषा में नाभि को पेचूटी भी कहते हैं। नाभि सरकने के मेन तीन कारण होते हैं। एक तो मुख्य कारण है आपका खाने का जो शेड्यूल है वो गलत, सुबह का जो खाने का लंच डिनर ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है वो गलत है, और बहुत ज़्यादा खाली पेट अगर अपन रहेंगे तो भी आपके नाभि सरकने की संभावना रहेगी। दूसरा, अगर आप कहीं वजन उठा रहे हैं भारी, उसमें भी आपके पेट पे खिंचाव पड़ेगा और वो नाभि सरका सकता है। और तीसरा, अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर और कहीं दचके पे अगर गाड़ी कूदी है उसमें भी आपकी नाभि सरक सकती है। नाभि सरकने पर मोस्टली तो खाने पीने की समस्या होती है, आदमी को भूख नहीं लगेगी और उबकाई टाइप आना, खाने का मन नहीं करना, जी मचलाना, और कई बार उसमें लूज मोशंस भी होते हैं, और भोजन नली और बड़ी आंत के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि मेरे प्रॉब्लम हो क्या रही है, और वो आदमी उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है और वो भटकता रहता है। उस कंडीशन में उसके रेगुलर एक्सरसाइज करके ही वो ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं नाभि सरकने पर पेशेंट को क्या तकलीफें होती है और किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मोस्टली तो नाभि सरकने पे जी मचलाता है, खाने में रुचि नहीं होती है, लूज मोशंस होते हैं, और कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और खा भी नहीं पाता है। कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नाभि सरकने में कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो खाना तो खा रहा है, चार रोटी की जितनी भूख है, लेकिन उसको एक रोटी के बाद में पेट भर जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को होता यह है कि भोजन नली और बड़ी आंत के बीच में जो गैप है ना वो कम हो जाता है। जब गैप कम होगा तो उसका खाने का जो टाइमिंग है वो डबल हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। खाने का जो रस बनना चाहिए वो रस नहीं बन के एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और एसिड जाके नीचे लोअर एब्डोमेन में जम जाएगा तो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो एक प्रॉब्लम होती है नाभि सरकना, लेकिन उसका इफेक्ट इतनी जगह आता है ये किसी को पता नहीं चलता है। कई बार हम लोग सुनते हैं घर में घरेलू उपचार के चक्कर में नाभि को सेट करने के विषय में कई तरह के फार्मूले अपनाते हैं, तो उस चक्कर में पेशेंट को तकलीफें हो जाती हैं। कई लोग पैर को मोड़ के नाक की तरफ ले जाने वाला, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और कई लोग वो पेट को प्रेस करने का भी करते हैं, तो उस चक्कर में पेट के अंदर की नसों पर प्रेशर बढ़ता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। इसकी सिंपल एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे तो नाभि सरकने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सांस के साथ में एक पैर उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर 15 से 20 सेकंड ऊपर रोक के रखेंगे, जब बॉडी में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए, ऐसा लगे अंदर से कंपन टाइप लग रहा है, तो आप उस पैर को नीचे छोड़ देंगे। फिर दूसरा पैर उठाएंगे लेफ्ट, उसको भी 15 से 20 सेकंड, फिर दोनों साथ में। इसको 5 बार रिपीट करना है, और उसी पोजीशन में बैठ करके कुछ नाश्ता कर लेना है।